नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम दीपक शर्मा, स्वागत है आपका मेरे चैनल शर्मा डिजिटल मीटर रिपेयर में। आज हमारे पास आया है एक लोकल कस्टमर के थ्रू FZV1 का मीटर। इसका डिस्प्ले बोर्ड कम्प्लीटली डेड है, ये काफ़ी टाइम से बंद है मीटर, तो चलिए इसको रिपेयर करते हैं। आप इस मीटर में देख सकते हैं डिस्प्ले में भी ऐसा ब्लरी है इसका डिस्प्ले, तो डिस्प्ले भी रिपेयर करना ही पड़ेगा इसका। और कस्टमर इसमें लाइट मॉडिफिकेशन भी करेंगे और डिस्प्ले भी रिपेयर होगा इसका और बोर्ड भी रिपेयर होगा, इसमें तीनों काम होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको ओपन कर लेते हैं पूरा अच्छे से। इसका बोर्ड और डिस्प्ले अलग अलग कर लेते हैं। ये इसका डिस्प्ले अलग हो गया है, बोर्ड में टेस्टिंग करने पे पता लग रहा है कि वोल्टेज वगैरह में थोड़ा प्रॉब्लम है, तो इसका बोर्ड रिपेयर करना पड़ेगा पहले। तो चलिए फ्रेंड्स, इसका बोर्ड रिपेयर हो गया है। अभी आप देख सकते हैं इसमें ये ओरिजिनल जो है वो येलो लाइट है और डिस्प्ले इसका रिपेयर हमने डार्क थीम में किया है। देख सकते हैं डार्क थीम में नंबर नंबर आपके ग्लो करेंगे, बट अभी लाइट इसका येलो है इसलिए ऐसा दिख रहा है। ये सिर्फ टेस्टिंग के लिए एक मैंने चेक किया है। तो चलिए पहले इसको पूरा रिपेयर कर लेते हैं, इसके लाइट्स उतार लेते हैं सभी के सभी, क्योंकि हम इसके जगह पे वाइट लाइट लगाने वाले हैं इसमें, क्योंकि डार्क थीम के लिए वाइट लाइट ही लगानी पड़ती है। इसकी येलो लाइट सीधा जाएगी डस्टबिन में, इसका कोई यूज़ नहीं। ये इसकी सभी लाइट्स निकाल गई है। अभी एरिया क्लीन कर लेते हैं लाइट्स लगाने के लिए। चलिए फ्रेंड्स, इस चीज़ को स्किप करते हैं और डायरेक्ट ले चलते हैं आपको आफ्टर मॉडिफिकेशन। देख सकते हैं सब काम हो गए हैं, सिर्फ अब आपका ये डिस्प्ले इसको रिसोल्ड करना बाकी है। डिस्प्ले रिसोल्डिंग के टाइम पे काफ़ी ध्यान रखना है कि कभी भी एक पिन दूसरे पिन को टच ना हो। इसमें कभी कभी ऐसा भी हो सकता है पिन टच होने की वजह से आपका इसका जो मेन आईसी जो इसमें आप देख रहे हैं जो स्क्वायर टाइप में बीच में लगा है वो भी ख़राब हो सकता है। ऊपर के इसके स्टिकर के स्क्रू लगा लेते हैं। और चलिए फ्रेंड्स, अब आपको इसको स्टार्ट करके दिखाते हैं। देख सकते हैं कितना अच्छा ग्लो आ रहा है और मेरे पास लाइट इतनी ब्राइट है वाइट कलर में, तो इसमें डे विजिबिलिटी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। नहीं तो बहुत से लोगों को ऐसा प्रॉब्लम आता है कि डे विजिबिलिटी नहीं आती है आफ्टर डार्क थीम, तो इसमें कोई ऐसी टेंशन नहीं है। देख सकते हैं स्पीड अच्छे से वर्क कर रहा है, ग्लो काफ़ी अच्छा है स्पीड का। अभी चेक कर लेते हैं आरपीएम भी काफ़ी अच्छे से विजिबल है। ये नाइट में तो बहुत सुंदर दिखने वाला है। तो चलिए बस अभी आ जाते हैं, इसको फटाफट से फिट करते हैं और आपको ले चलते हैं थोड़ी ही देर में फाइनल टेस्टिंग की ओर। और जिस भाई ने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, आप लोग लाइक करेंगे तो मुझे और थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। क्लीन कर लेते हैं अच्छे से ताकि बाद में दिक्कत ना हो। बटन वगैरह सब लगा दिया, अब इसको फटाफट से फिट कर देते हैं। 5 स्क्रू टाइट कर देते हैं। तो चल रहे फ्रेंड, अब चलते हैं फाइनल टेस्टिंग की ओर। देख सकते हैं ये बाइक में लगने के बाद कुछ अलग ही लुक देने वाला है। इसमें इतना बढ़िया कंट्रास्ट आ रहा है नंबर्स का और मीटर बिल्कुल ही अलग हो गया है। वो येलो लाइट बोरिंग लाइट बिल्कुल गायब हो चुकी है इसमें से। तो चलिए फ्रेंड्स, जिस किसी को वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। और आज के लिए इतना ही, थैंक यू।